जैसे भूखा रहने से किसी को ऐसा रोग आ जाए, साथ रोग आ जाए, बवासीर हो जाए, गर्मी बढ़ जाए, उसके लिए तो वो कुछ शक्ति से अधिक तितिक्षा करने पर होता है। धीरे धीरे जितनी शक्ति हो उसी के हिसाब से नहीं करना चाहिए, हिसाब से ही बढ़ाना चाहिए। और यदि रोग हो जाए तो उसका ठीक उत्तर तो ये है कि उसमें भी तितिक्षा रखनी चाहिए, रोग को भी शांत करना चाहिए। अच्छा, लेकिन सही उत्तर न दें तो ऐसा कहना पड़ेगा कि तितिक्षा बढ़ानी हो तो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहीते। चांद्रायण व्रत करते हैं, एक ग्रास कम करते हैं, फिर दो करते हैं, फिर तीन करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि 15 कम कर देते हैं, धीरे धीरे ही अच्छा रहता है, अति नहीं कर देते, अति सर्वत्र कर देते। और भगवान कुछ तितिक्षु को देख के बहुत खुश होते होंगे, ऐसा तो नहीं लगता। अपने भक्त को भूखा देख के या गर्मी सर्दी में तड़पता हुआ देख के भगवान कुछ बहुत प्रसन्न नहीं होता। भागवत में महाराज एक बात ऐसी लिखी है, आत्मा के रूप में भगवान की पूजा करना, बहुत रूप में है, ब्राह्मण के रूप में है, अग्नि के रूप में है, सूर्य के रूप में है, मैंने अनेक रूप में भगवान की पूजा करने की है। तो कैसे कैसे करे, तो उसमें यह है कि आत्मा के रूप में भगवान की पूजा, तो आत्मा के रूप में भगवान की पूजा कैसे करें, तो भोगई रात्मा न आत्मा, अपने में जो परमात्मा की पूजा करे तो उनको खाना पीना बिल्कुल ठीक दे रहे हो, भोगई रात्मा न आत्मा, ब्राह्मण को खूब भोजन करावे और गाय में भगवान की पूजा करे तो उसको हरी हरी घास खिलावे, कैसे लिखा, अग्नि में भगवान की पूजा करे तो उसमें आहुति डाले, और अपने में भगवान की पूजा करे तो शरीर के लिए जो भोग आवश्यक हैं वो शरीर में दे, परंतु भाव ये करे कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। ये भागवत में है, हमारा धर्म कोई ऐसा नहीं है। वो हंसमात्र से न देना तो और पूजा करना ज्ञान की अवहेलना करना हो गई रात्मान आत्मा ने, और कर्षयन्तः शरीरस्थं, निषेध भी तो है ना, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिष्ठया। जो अपने शरीर को कृश बनाते हैं, तो कर्षयन्तः माने कृश बनाना, दुबला करना, कर्षयन्तः भूतग्रामं अचेतसा, ना समझे कि मिट्टी पानी आग जो शरीर में है वो कम हो जाए। ये तो जिनको बहुत लंबा जीवन बनाने का लोभ होता है, ऐसी दुर्दशा डॉक्टर उन लोगों की करते हैं। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं, और उनके शरीर में बैठ के मैं भी दुख पाता हूं, वो शरीर को भी दुख देते हैं और मुझ परमात्मा को भी दुख देते हैं, आत्मा को भी दुख देते हैं।
तो मान लो 4 दिन ज्यादा नहीं जिए, 4 दिन कम ही जिए, उसमें क्या हानि होती है? इतने दिन जी के क्या दुनिया का बना दिया कि और 2-4 बरस जी जाओगे तो दुनिया का बड़ा भारी महत्व हो जाएगा। अभी तक क्या कर लिया है सब करने के लिए? एक उद्योगपति ने हमको सुनाया, उनकी माता 99 बरस, उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, बीमार मैंने अब मरने का समय आ गया था। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम हमारी ये सेवा करना कि कोई डॉक्टर हमारे शरीर को छूने न पाए, यही सेवा तुम करना। क्योंकि वो मरते समय नाक में लगाते हैं नथ, ऑक्सीजन लगता है, इधर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उधर सुई पर सुई चुभोते हैं, तो ये मरते समय मनुष्य की दुर्दशा डॉक्टर लोग कर डालते हैं और गंदी गंदी चीजें शरीर में डालते हैं, खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मरते समय डॉक्टर हमारा स्पर्श न करने पावे और हमको गंगा जल पिलाना, बस हमारी सबसे बड़ी सेवा हमारी हम जाते हैं ना कभी कभी अस्पताल में जाते हैं और वो दुर्दशा वहां देखने को मिलती है। जब तक लोग भले चंगे होते हैं तब तक तो अस्पताल में बुलाते हैं, जब मरणासन्न होते हैं ना तब तो अपनी मुक्ति के लिए हाँ हम चिट्ठी लिख के दे दें कि वो बैकुंठ में ले जाकर दिखाएंगे। तितिक्षा से मन विचलित न हो यहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक हमने देखा कि हरि बाबा जी जैसा महात्मा है, जब उनके शरीर में दूसरे का रक्त चढ़ाया गया तो वो स्वयं बताते थे कि हमारे मन में परिवर्तन हो गया। उनको ऑपरेशन हुआ था तो रक्त की जरूरत पड़ी, तो दिल्ली में उनके शरीर में किसी और का रक्त चढ़ाया गया, तो डॉक्टरी हिसाब से तो मिला के ही चढ़ाया गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे मन पर इसका असर पड़ा। आप परमाणु बदल गए? हाँ बहुत असर पड़ा। ये कुछ बहुत हित की बात नहीं, एक वकील ने कहा महाराज जी हरदम खुशी जीने में हो कभी न हो मरने का कर, और देख देख तू ऐसा देख मिटता है दूर रह जाएगी। वैसे दुख बनाने वालों को हर जगह दुख मिल जाता है। हमारे पंडित जी थे ना सुंदरलाल, उनके सामने जब कभी अच्छा भोजन रखा जाता था, जैसे भोजन पहले आया तो कहते थे कितना बढ़िया भोजन, कहते थे कि अब खिलाने वाला कहाँ, भोजन तो ठीक है पर आंख में आंसू आ जाते थे। 30-35 बरस पहले उनकी पत्नी मरी थी, तो वो जहाँ थाली आई देखो स्त्रियों के लिए कितने प्रेमी जीव थे वो, 35 बरस पहले मरी हुई पत्नी की याद करके और भोजन के समय आँख से आंसू आने लगते थे। हाँ हाँ भोजन तो बहुत बढ़िया है पर खिलाने वाला कहाँ है। एक एक उनकी ये बता, मेरे साथ बैठ के भोजन करते थे कितनी बार करते थे, तो मनुष्य की कैसी आदत होती है, जिस दिन भोजन में कुछ नमक ज्यादा कम हो जाए उस दिन तो नाराज होते ही थे, और जिस दिन बढ़िया बने उस दिन और नाराज होते थे, कल तुमने ऐसा क्यों नहीं बनाया। सोहन पाल को 4 बात सुनने को मिलती, दादा को मिलती कि कल तुमने ऐसा क्यों नहीं बनाया, अब जब आज बढ़िया मिल रहा है तो खाओ, अब कल बढ़िया नहीं मिला, ये बाबा है ना बाबा, ये कल नाराज हो रहा था कि जैसी कथा यहाँ सुनाते हो वैसी वहां क्यों नहीं सुनाते। बढ़िया सुन के नाराज हुआ, बिगाड़ देते हो वहां वेदांत की बात करते हो तो बिगाड़ देते हो। सच्ची पूछे वो भी जानता है कि मेरा ये क्या से बाहर हो, इनको तो इनको जो पसंद आई ना वो सुन के बोलते हैं वो सवेरे वाली बिगाड़ देते हैं। माने जो पसंद आई वो सुन के खुश तो होना चाहिए ना।
क्या पूछा राज्य जिसको दुखी होने की आदत पड़ जाती है वो सब जगह दुखी हो जाता है, और जो अपने को सुखी रखने की आदत डाल ले तो हर हालत में सुखी हो। आदत ही अच्छी बुरी होती है, सुख दुख देने वाले तो हर जगह रहते हैं, कोई सुख देता है कोई सुख देता है कोई दुख देता है, वो तो हर जगह रहते हैं। अपनी आदत अच्छी बनाने में साधन का अभिप्राय, असल में जिसको घड़ा लेके पानी पीना है ना, तो वो देखेगा कि घड़े में पानी ठंडा रहेगा कि नहीं, टूटा हुआ है तो बह जाएगा। तो जिसको संसार में कोई प्रयोजन सिद्ध करना होता है वो वस्तु की परीक्षा नहीं करता है, उसके उपयोग की परीक्षा करता है। और जिसको मिट्टी पहचाननी है और घड़े में पानी रखना है कि शराब रखना है कि दूध रखना है, ऐसा कुछ प्रयोजन नहीं है घड़े से, तो माटी के पहचानने की इच्छा तो उसी के मन में होगी जो स्वार्थ से घड़े को नहीं देखेगा। ये जो संसारी लोग हैं सारी वस्तुओं का उपयोग अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही करना चाहते हैं, तब फिर उनकी दृष्टि धातु पर नहीं जाएगी, तत्व तत्व धातु, वो मैटर की परीक्षा नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि अपना काम इससे निकल जाता है कि नहीं। तो आजकल कागज की भी तस्करी बनती है, कागज के गिलास बनते हैं, कागज की तस्करी बनती है, लोग उससे एक बार पानी पीते हैं फेंक देते हैं, एक बार खाते हैं फेंक देते हैं। ये जो प्रयोजन की दृष्टि से अपने स्वार्थ की दृष्टि से वस्तु की परीक्षा है वो दूसरी चीज है। और ये व्यक्तिगत जीवन में चरित्र को शुद्ध करने के लिए धर्म का ये बनाना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है। नहीं तो ये जो आचार्य हुए हैं जैसे ईसा हुए तो बोले ऐसे रहो, मोहम्मद हुए बोले ऐसे रहो, रमनु जी हुए तो बोले ऐसे रहो, वो जो रहनी में रहनी का उपदेश क्यों करना पड़ता है, ये भागवत में है हमारा, ये रहनी का उपदेश क्यों करना पड़ता है, गुण दोषार्थ नियम तदिदामेव बाधते। चूंकि ये बताने से मालूम पड़ता है कि इसमें गुण है इसमें दोष है, और ये सेवन करोगे तो गुण है और ये सेवन करोगे तो दोष है, ये जो बताना पड़ता है नियम करना पड़ता है, ये यही सिद्ध करता है कि वस्तु में गुण दोष नहीं है, उपदेश में आदेश में गुण दोष है। इसलिए अपने गुरु ने अपने संप्रदाय ने जैसा उपदेश दिया है उसके अनुसार उस वस्तु में गुण होता है, और यदि लेबोरेटरी में परीक्षा करोगे इसमें गुण है कि दोष है तो वो कभी सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए ये शास्त्रीय प्रमाणक है, एकमात्र अनुशासन से इसकी सिद्धि। यदि वस्तु में गुण दोष होता तो जैसे हम आग को छूते हैं तो जानते हैं कि इससे हाथ जलता है, तो वो बताना नहीं पड़ता है, सब लोग उसके लिए शास्त्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यदि तत्व में गुण दोष होता, जिसको हम लोग दोष समझते हैं, एक बार एक सज्जन को स्वप्न दोष अधिक होता था, तो उनको संख्या का जो द्रव है ना वो औषधि की रीति से पिलाया गया और स्वप्न दोष बंद हो गया, परंतु औषधि की रीति ऐसे खाओगे तो मर जाओगे, वो तो बिल्कुल शोधित संख्या का जो द्रव है उसको अमुक रीति से, तो संख्या औषध भी है और संख्या विष भी है। इसी तरह से प्रत्येक विष का भी उपयोग होता है और वो लाभकारक होता है, और प्रत्येक और खीर का भी दुरुपयोग होता है, ज्यादा खा लो अपच हो जाएगा, पेट फट जाएगा, मर जाओगे, अपरा हो जाएगा। तो इसी से तो किसमें गुण है किसमें दोष है ये बात अनुशासन से ही ज्ञात होती है।
और अनुशासन से ज्ञात होने का अर्थ ही है कि वो वस्तु धर्म नहीं है, नहीं तो स्वभाव से ही ज्ञात होता। भागवत कवि महाराज अपूर्व ये प्रसंग है, 21, 22, 23 जो तीन अध्याय हैं 11वें स्कंध, वो प्रश्न ही यही उठाया है कि जब वस्तु एक ही है तो ये गुण दोष का विभाग कैसे होता है। वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातु सूत्र कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धे समेष्वपि धातु सूत्र, धातु समान है तो भी वेद ने उसका नाम रूप अलग अलग कर दिया। क्यों भाई एक धातु का नाम रूप अलग अलग क्यों किया? तो बोले कि एतेषां स्वार्थ सिद्धे, ये अपने काम में आवे इसके लिए, धर्मार्थम व्यवहारार्थम यात्रार्थम इति चानक तत्व से विचिकित्सार्थम, उनसे धर्म विभाग करने से धर्म होगा, काल्पनिक विभाग करने से धर्म होगा, व्यवहार होगा, जीवन यात्रा चलेगी और वस्तु की विचिकित्सा होगी कि इसमें गुण है कि दोष है, विवेक विवेक का उदय होगा, धर्म की सिद्धि होगी, व्यवहार की सिद्धि होगी, जीवन यात्रा चलेगी और ये वस्तु क्या है ये विवेक बढ़ेगा और अपने लिए उस वस्तु का प्रयोग होगा। इस प्रयोजन से वेद ने समान धातु में विषमता विषम नाम रूप की कल्पना की है, इसका अर्थ वस्तु में नहीं है। और फिर वहाँ ये बताया गया कि जैसे एक लोटा पानी है और उसको कौवे ने जूठा कर दिया तो जूठा हो गया टैंक, लेकिन एक तालाब पानी है तालाब में भरा है उसको हजार कौवे जूठे करें तब भी वो जूठा नहीं होगा, कौवे का जूठा तालाब में नहीं होगा। तो अगर कौवे का चोंच लगने से पानी जूठा हो जाता है तो तालाब को भी जूठा हो जाना चाहिए। तुम्हारे घर में 5 मन आटा रखा है, बिल्ली उसकी विष्ठा कर गई तो उसमें से शेर भर निकाल के जहाँ विष्ठा है फेंक दो, बाकी रहने दो है। और यदि वो छटाके ही पाव भर हो आधे ही पाव हो तो कुल का कुल फेंक दो। तो वस्तु की अल्पता उसकी अधिकता और अपनी शक्ति अपनी अवस्था अपना वय और इन सब बातें काल देख के वस्तु के संबंध में अलग अलग कल्पना होती है। इसका अर्थ ये है कि धर्माधर्म की जो खोज है वो वस्तु धर्म से मत करो, ये विज्ञान के साथ हमारा यही मतभेद है, उसको अध्यारोप से करो, अध्यारोप अपवाद से करो, अनुशासनिक ढंग से उसको करो, उसको वास्तविक रीति से मत करो, नहीं तो फिर संसार से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। गुण से राग होगा, दोष से द्वेष होगा और राग द्वेष से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए उसको जैसे एक सैनिक अपने सेनापति के आदेश से गोली मारता है और सेनापति के आदेश से बंदूक उल्टी करके खड़ा हो जाता है, तो उसमें सेनापति का आदेश ही मुख्य है, सैनिक को कब गोली चलाना और कब बंदूक उलटना ये मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए, वो कहीं गुण होता है कहीं दोष होता है। तो एक मनुष्य को अपना जीवन सैनिक के समान अनुशासन में व्यतीत करना चाहिए, ये धर्म की बात है, युक्ति से उसका समर्थन करना चाहिए। ये जो प्रतिभाशाली लोग होंगे वो युक्ति से उसका समर्थन करेंगे। वो आर्षम धर्मोपदेशं च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः, मनुस्मृति का श्लोक है 12वें अध्याय का है। आर्षम धर्मोपदेशं च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केणानुसंधत्ते, तर्क के द्वारा उसको सिद्ध करना चाहिए, वेद शास्त्र को भी सिद्ध करना चाहिए और उसके आदेश को भी सिद्ध करना चाहिए। हाँ जी, ऐसा भी है कि यदि मरुस्थल हो और आदमी प्यासा हो हैं, तो वो एक गिलास पानी भी यदि कौवा जूठा कर जाए तो वो देश के भेद से
वो देश के भेद से पवित्र ही माना जाएगा। और जहाँ अर्घ देने के लिए सूर्य को जल नहीं मिलता है वहाँ बालू हाथ में उठा के सूर्य को अर्घ दे दो, बालू से भी अर्घ चलेगा। तो अब तर्क से इसका समर्थन करना हो तो हम कर देंगे, क्यों करेंगे कि बालू भी कण है ना, तो उसमें स्नेह तो है ही है, जल नहीं होता तो कण कैसे होता। इसलिए यद्यपि बालू से आच्छादित है लेकिन बालू में भी जल है, तो तर्क का प्रयोग करना चाहिए शास्त्र की सिद्धि के लिए, शास्त्र के खंडन के लिए नहीं करना चाहिए। अनुशासन उसमें श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए अनुशासन में। और प्रीति जो है ये प्रीति के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, दिल से प्रेम करो ये आज्ञा सिद्ध नहीं है, प्रीति स्वभाव सिद्ध है। ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जिसके चित्त में प्रीति नहीं हो। अब इसमें है कि प्रीति, अब भगत लोग समझाएंगे कि यदि विनाशी से प्रीति करोगे तो तुम्हें बड़ा प्रीति तो तुम्हारे हृदय में है, लेकिन ऐसे वर को के वरों जो जन्म एवं मर जाए, बर भरिए गोपाल जो मारो चुड़ लो मर हो जाए, तो प्रीति, तो प्रीति उत्पन्न नहीं की जाती, प्रीति सबके हृदय में स्वाभाविक। जैसे अपना जीवन है ये सत का विलास है, विवर्त है, जैसे अपने चित्त में वृत्तियां हैं वो चित विलास, चित विवर्त है, चित रूप है, वैसे ही आनंद भी अपना स्वरूप है और आनंद का विलास, आनंद का विवर्त, प्रीति सबके हृदय में स्वाभाविक होती है। लेकिन जब अपनी सत्ता को हम नश्वर के साथ मिलावेंगे तो मरेंगे जिएंगे, अपने ज्ञान को परिवर्तनशील विषय में लगावेंगे तो ज्ञान भी बदलता रहेगा, और अपने आनंद को यदि हम दुखदायी वस्तु में मरने वाले तो धर्म तो आज्ञा से उत्पन्न होता है, परंतु माने शास्त्र की आज्ञा से धर्म सिद्ध होता है, और प्रीति होती है सबके हृदय में स्वाभाविक, तो उसको भी गुरु शास्त्र उसमें प्रीति उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि जो स्वभाव सिद्ध प्रीति है उसको उपयुक्त स्थान पर जोड़ते हैं, उसमें प्रीति का ही विषय का ही निर्देश होता है, क्रिया का नहीं। धर्म में क्रिया बनाई जाती है वो तो कर्तृतंत्र है, पर प्रीति कर्तृतंत्र नहीं है, स्वभाव सिद्ध है, और वो किससे करनी चाहिए ये बात उसमें विषय का निर्देश होता है। तो वो विषय बिल्कुल निश्चित है कि भगवान से प्रेम करना चाहिए और किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, तो ये भी गुरु शास्त्र संप्रदाय से ये भी प्राप्त होता है। अच्छा, योगाभ्यास जो है, अभ्यास तो बहुत ही अंतरंग है, तो उसमें तो जो अनुभवी गुरु है योग का वो जैसा बतावेगा। तो योग संप्रदाय में गुरु की प्रधानता होती है और भक्ति संप्रदाय में भी गुरु की प्रधानता होती है, योग भी शास्त्रानुसार हो और भक्ति भी शास्त्रानुसार हो, परंतु उसमें गुरु की प्रधानता होती है, और धर्म में शास्त्र की ही प्रधानता होती है, उसमें कराने वाले पंडित की प्रधानता नहीं होती है। पंडित तो अलग अलग, चाहे अन्य भिन्न भिन्न वेद का पाठ करना हो तो भिन्न भिन्न पंडित चाहिए, भिन्न भिन्न याद कराना हो और तो राजसूय याद का जो ज्ञाता हो वो कराए, जो बृहस्पति सब का ज्ञाता है वो करावेगा, उसमें तो बहुत सारे विद्वान मिलकर करावेंगे और क्रिया भी नवीन नवीन होगी तो वहां धर्म की उत्पत्ति होगी, परंतु प्रीति की उत्पत्ति नहीं की कराई जाती, वो होती है। उसमें विषय दिया जाता है कि जहां भगवत भाव हो उससे प्रीति करो, तो वो पतिव्रता स्त्री अपने पति से और पुत्र अपने माता पिता से, और माता पिता भी अपने पुत्र से भगवत भाव से प्रेम कर सकते हैं, उसमें भगवत भाव की ही मुख्यता है, शास्त्रानुशासन की नहीं, शास्त्रानुसारी गुरु का उपदेश है, बिना गुरु के भक्ति और योग की सिद्धि नहीं। और ये जो वेदांत है इसकी तो जड़ ही कुल की कुल जड़ इसकी प्रमाण है, प्रमाण से प्रमाण उत्पन्न होती है,
पहले गुरु पर श्रद्धा करो, शास्त्र पर श्रद्धा करो, संप्रदाय पर श्रद्धा करो, वेदांत पर, वेदांत संप्रदाय, सदगुरु पर श्रद्धा करो। तो श्रद्धा वेदांत में बहिरंग साधन के अंतर्गत है, ये तो आपको ध्यान में आई है। बहिरंग साधन माने समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, वो रास्ते का कलेवा है, गंतव्य नहीं है। श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, तो श्रद्धा वित्तो भूत्वा, यदि आपको यात्रा करनी है तो जैसे पूंजी लेके चलते हैं वैसे ब्रह्म पर्यंत आपको यात्रा करनी है तो श्रद्धा की पूंजी लेकर चले। अब वो बहिरंग साधन क्यों है? तो जो अंतःकरण शोधक होता है उसको बहिरंग साधन बोलते हैं, और जो तत्व शोधक होता है उसको अंतरंग साधन बोलते हैं। तो श्रद्धा जो है वो अंतःकरण की एक शुद्धि है, क्योंकि वो अभिमान रूप जो मल है, संशय रूप मल है, अविश्वास रूप मल है, अभिमान रूप मल है, उसका प्रक्षालन करती है। इसलिए श्रद्धा जो है कंदुक की नली, हमने देखा पहले पुराने ढंग के लोग वो छर्रे वाली बंदूक रखते थे ना, और तो सवेरे उठ के महाराज और उसमें क्या क्या डाल के और लोहे से उसको साफ करते थे, लोहे को छाड़ते थे। तो बंदूक की नली साफ करना एक चीज है, और लक्ष्य को बिल्कुल निशाने पर लेना ये दूसरी चीज। तो ये जो प्रमाण शास्त्र है वो तो लक्ष्य को ठीक करता है, वाच्यार्थ का, तत्पद वाच्यार्थ का विवेक, पद वाच्यार्थ का विवेक, ये श्रवण से संपन्न होता है। जब तत्वमस्यादि नाभा श्रवण करेंगे तब तत्पदार्थ, तत्पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ, लक्षण ऐसे नहीं हो जाती है। जहां अनुपत्ति होती है कोई वाक्यार्थ में, वाच्यार्थ में, जब तात्पर्यानुपत्ति हुई, अन्वयानुपत्ति हुई, तब लक्षणा करनी पड़ती है। लक्षणा एक अर्थ करने के लिए एक पद्धति है, और जहां अभावृत्ति से अर्थ न होता हो वहां लक्षणा लगती है। जहां लक्षणा जो है गौणी वृत्ति है, ये मुख्य वृत्ति नहीं है, तो मुख्य वृत्ति से जहां काम न चलता हो वहां लक्षणा का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये वेदांत जो है ये न क्रिया शास्त्र है, न भाव शास्त्र है, न अभ्यास शास्त्र है। तो क्रिया शास्त्र को धर्म शास्त्र माने क्रिया शास्त्र। तो ये क्या है कि ये वस्तु का बोधक है, ये करो ये मत करो ये धर्म शास्त्र है, प्रीति यहां जोड़ो यहां मत जोड़ो ये भाव शास्त्र है, ये भगवान है। अब भगवान में भी भगवान का भाव होता है, शालग्राम शिला है उसमें विष्णु बुद्धि करके उसकी उपासना करो, पति एक मनुष्य है उसमें भगवत भाव करके उसकी उपासना करो, गुरु एक मनुष्य है उसमें भगवत भाव करके उपासना करो, माता पिता मनुष्य है उनमें भगवत भाव करके, अन्य में अन्य बुद्धि है, माने ये भी अध्यास का ही एक रूप है। अतस्मि सद बुद्धि है तो ये अध्यास का ही रूप, लेकिन ये साधक अध्यास है। तो धर्म में विधि और निषेध, विधि माने अध्यारोप और निषेध माने अपवाद, और उपासना में आवाहन और विसर्जन, आवाहन माने अध्यारोप, विसर्जन माने अपवाद, और योग में अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास माने अध्यारोप और वैराग्य माने अपवाद। तो ये सारा का सारा क्रम वेदांत की दृष्टि से ही सुसंगत होता है, विधि वाक्य और निषेध वाक्य, विधि वाक्य अध्यारोप है, मैं अन्नमय कोष हूं ये अध्यारोप है, क्योंकि अन्नमय कोष से उपहित जो चेतन है वो मैं हूं। तो इसका मतलब यह है कि फैली हुई जो दुनिया है ना,
इनमें इनका चेतनमय नहीं है, शरीर का चेतन। फिर अब उसके बाद प्राणमय, तो प्राणमय से उपयुक्त, तो भाई मनोमय, मनोमय से उपयुक्त। तो इनको सबको उपनिषद में अन्नम ब्रह्म इत्युपासित, प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, मनो ब्रह्म इत्युपासित, विज्ञानम ब्रह्म इत्युपासित, आनंदो ब्रह्म इत्युपासित, और सब में जगत जन्मादि का लक्षण भी लगता है। जतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, ये लक्षण अन्न में भी है, अन्नाद वायुमानि भूतानि जायन्ते। ये क्या है, कही अध्यारोप है। और फिर एतम अन्नमयम उपसंक्रामति, एतम प्राणमयम उपसंक्रामति, ये अपवाद है। इस अध्यारोप अपवाद के द्वारा हम उस वस्तु तक, तत्व तक पहुंचते हैं जो नाम रूप के अध्यारोप से विनिर्मुक्त है, और उसका समग्र नाम रूप का अपवाद करने पर देखेंगे कि नाम रूप के अभाव से उपलक्षित अपना आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। और जब सबके अपवाद से उपलक्षित अपना आत्मा है, फिर तो जब अभाव से, सर्व के अत्यंता भाव से उपलक्षित है, नाम रूप के अत्यंता भाव से उपलक्षित है, तो उसमें दिक् काल आदि का विभाग किसी प्रकार हो नहीं सकता। इसलिए वो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म विदात्मोति परम ब्रह्म वेद ब्रह्मयुगवते। इसलिए धर्म की प्रक्रिया भी अध्यारोप अपवाद की ही प्रक्रिया है, उपासना की प्रक्रिया भी अध्यारोप उपवाद अपवाद की प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया भी अध्यारोप अपवाद की है। इसलिए एक को पकड़ो, एक को छोड़ो, फिर उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, सीढ़ी सीढ़ी जैसे कदम कदम चलते हैं। जागृत देह को छोड़ करके जागृत अवस्था वाला मैं हूं, ये देखो ये अद्भुत चीज। देह में जागृत अवस्था नहीं होती, जागृत अवस्था में देह मालूम पड़ता है। ये देह का विकार जागृत अवस्था नहीं है, जागृत अवस्था में स्वप्न पुरुष के समान एक कल्पित ये शरीर है। जागृत अवस्था का विवेक करो और इसमें देह में जो तादाद में इसको छोड़ दो। फिर देखो स्वप्नस्था, तो उसमें जागृत अवस्था का ही अपवाद हो जाएगा, तो उसमें आप स्वप्न पुरुष नहीं है, स्वप्न दृष्टा है। उसमें जो आप गंगा स्नान कर रहे हैं वो नहीं है, जो गंगा सहित, हिमालय सहित, पृथ्वी सहित, आकाश सहित जो समग्र स्वप्न को देख रहा है वो है आप। स्वप्न में गंगा स्नान करने वाले आप नहीं है, वो है स्वप्न स्थान। अब बात करो उसके बाद सुषुप्त स्थान, उसमें समष्टि व्यष्टि का भेद ही नहीं होता है। सुषुप्ति वो अवस्था है जिसमें समष्टि व्यष्टि का भेद बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। प्रज्ञा का अभिभाव है, प्रज्ञा का अत्यंता भाव है। प्राग शब्द का दोनों अर्थ होता है, प्रज्ञा का घनी भाव है, उत्कृष्ट अज्ञता वहां है, तो वहां समष्टि व्यष्टि का भेद नहीं है, उसके भी आप साक्षी चेतन हैं। उसी साक्षी चेतन को जब लखावेंगे उपनिषद में, तब नाम तप प्रज्ञम, न वह प्रज्ञम, नो भय तप प्रज्ञम, ऐसे उसको प्रतीत करावेंगे। ये सारा वेदांत जो है, ये इसके ये सब प्रारंभिक रूप है, धर्मानुष्ठान उपासना। और वो लेबोरेटरी में परीक्षा करने से न क्रिया विशेष को धर्म सिद्ध कर सकते हैं और न दृश्य विशेष को उपास्य सिद्ध कर सकते हैं। लेबोरेटरी में परीक्षा करके ये सालग्राम की बटिया साक्षात परमेश्वर है, ये सिद्ध नहीं होता है। वो केवल शास्त्र के द्वारा ही उनके किसी क्रिया विशेष के धर्मत्व की और मूर्ति विशेष के उपास्यत्व की और स्थिति विशेष के निरोध होने की, स्थिति विशेष में दृष्टा होने की जो सिद्धि है, वो तो बिल्कुल, जब समाधि लगे तो दृष्टा और समाधि ना लगे तो वृत्ति सारूप्य, तो ये शास्त्र से ही सिद्ध है, वो भी लेबोरेटरी सिद्ध, निरोध भी लेबोरेटरी सिद्ध नहीं है। और ये है वेदांत, वेदांत जो है ये केवल अज्ञात का
व्यापक भी नहीं है, वस्तु का बोध कहीं नहीं है, अविद्या का निवर्तक है और स्वतः सिद्ध का बोधक है। इसमें कुछ भी उत्पाद धर्म के समान न फल उत्पाद्य है, न उपासना के समान इष्टलोक उत्पाद्य है, न निरोध के समान कोई स्थिति विशेष उत्पाद्य है। इसमें उत्पाद्य आत्म संस्कार आदि नहीं है। ये वेदांत की विशेषता, ये वस्तुतंत्र धर्म है, वस्तुतंत्र है ये कर्तृतंत्र। अच्छा जी।